हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स आज हम करने जा रहे हैं नीमरा सुनरा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चन एंटोमोलॉजी का पार्ट नंबर टू चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन रोजेट फ्लावर फॉर्मेशन इन कॉटन इज ड्यू टू ये किस पेस्ट की वजह से होता है रोजेट फ्लावर का मतलब है जो फ्लावर का ऊपर से माउथ बोल सकते हैं हम वो क्लोज हो जाता है और एक रोजेट की तरह बन जाता है ये किस इंसेक्ट पेस्ट के डैमेज का सिम्टम है आंसर इज पिंक वॉलवॉम पेक्टिनोफोरा गोसिपियला नेक्स्ट क्वेश्चन डबल सीड फॉर्मेशन इन कॉटन इज ड्यू टू ये किसकी वजह से होता है ये भी पिंक वॉलवॉम की वजह से ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन लार्ज सर्कुलर बोर होल्स विद फीकल पैलेट्स ऑन बॉल्स इज द सिम्टम ऑफ बॉल्स के ऊपर होल्स हैं और होल्स में क्या है फीकल पैलेट्स हैं इंसेक्ट की ये किस इंसेक्ट पेस्ट कामेरिकन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आंसर इज एंडोसल्फान नेक्स्ट क्वेश्चन पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी कैप्ट बिलो पेस्ट पॉपुलेशन हमेशा इसके नीचे रहने चाहिए अदरवाइज डैमेज हो सकता है क्रॉप को किसके नीचे होनी चाहिए बेस्ट पॉपुलेशन ईटीएल ईटीएल क्या होता है इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल पर है जो हमें कंट्रोल मेजर्स है वो लेने ही पड़ेंगे जैसे कि इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करना ही होगा अदरवाइज जो है हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन द पेस्ट विच अटैक ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट ऐसा कौन सा पेस्ट है जो प्लांट के हर पार्ट के ऊपर अटैक करता है आंसर इज टर्माइट नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट ग्रव प्रेफर्स टू ले एग्स ऑन वाइट ग्रव अपने एग कहाँ पर ले करनी प्रेफर करता है आंसर इज सैंडी और सेंडी लोम सॉइल में नेक्स्ट क्वेश्चन पेस्ट विच हैज स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पेस्ट किस पेस्ट को इंटरनेशनल पेस्ट का स्टेटस मिला हुआ है आंसर इज डेजर्ट लोकस्ट सिस्टोसर का ग्रीगेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ एग्स पर सेकेंड लेड बाई टर्माइट। टर्माइट एक सेकेंड में कितने एग ले करती है आंसर इज वन एग पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसेक्ट्स आर डैश थर्मिक दे आर वाई किलो थर्मिक इट मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म इसका मतलब होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन थर्मल कांस्टेंट थर्मल कांस्टेंट क्या होता है द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ़ फिजोलॉजिकल प्रोसेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज एक स्पीशीज uh, की पूरी लाइफ हिस्ट्री में उससे कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए अपने फिजिजिकल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वो क्या होती है थर्मल कॉन्सटेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट इज नोन एज जब वीड्स को बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आंसर इज़ पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन आई आई बी सी इज आंसर इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन आई आई बी सी इज लोकेटेड इन ये कहाँ पर स्थित है आंसर इज वेस्ट इंडीज़ और कब बना था नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में नेक्स्ट क्वेश्चन एन सी आई पी एम इज नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पी डी बी सी इज प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ये भी वेस्ट इंडीज़ में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन आई ओ बी सी इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल आई ओ बी सी इज़ लोकेटेड एट ये कहाँ पर है यूरिच स्विट्जरलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन क्रिप्टोबाइसिस क्रिप्टोबाइसिस क्या होता है अ फिनोमिना व्हेन इंसेक्ट बिकम क्यूसेंट ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एंड शो नो विजिबल साइन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब कभी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस फेस करता है इंसेक्ट तो बिल्कुल ही क्विसेंट हो जाता है और कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करता उसे क्या बोला जाता है क्रिप्टोबाइसिस नेक्स्ट क्वेश्चन लिमनेटिक जोन इज लिमनेटिक जोन क्या होता है ओपन वाटर जोन टू डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन कहाँ तक लाइट जो है पेनिट्रेट कर रही है वाटर जोन ऊपर वाले वाटर जोन से लेके डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन वो क्या हो जाएगा निम्नाटिक जोन नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्स मॉथ इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ वैक्स मॉथ किसका सीरियस पेस्ट है एपीकल्चर का ठीक है साइंटिफिक नेम ऑफ वैक्स मॉथ इज गलेरिया मेलोनेला क्यूबिकुलाइज क्यूबिकुला क्या होता है जो वर्कर हनी बी है उसकी हाइंड टीबिया पर मॉडिफाई होके एक पोलन बास्केट बनी होती है जिसमें क्या है पोलन कलेक्ट करती है और उसी स्ट्रक्चर को क्या है क्यूबिकुला बोला जाता है हाइंड लेग ऑफ वर्कर हनी बी और पोलन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन टीबिया ऑल्सो नोन एज पोलन बास्केट वर्ल्ड एंटोमोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंटोमोन विच मीन्स इंसेक्ट एंड लोगस विच मीन्स डिस्कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी क्या होता है आंसर इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट ऐसी स्टडी जो डील करती है विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट उसे क्या है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज इंसेक्ट की बॉडी वॉल को क्या बोलते हैं इंटेगमेंट इंटेगमेंट इज अ डैश एग्जोस्कैल्टन इट इज़ अ एल्गो एक्सोस्केल्टन काइटिन की बनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सोस्केल्टन सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर एक्सोस्केल्टन का मेन काम क्या आ जाता है इट एक्ट अ फ्रेमवर्क फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स इसी के ऊपर क्या है मसल्स अटैच होती हैं एंड बैरियर फॉर रिटार्डिंग लॉस ऑफ वॉटर फॉर आउटर सर्फेस ऑफ इंसेक्ट बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेगमेंट इज डिवाइडेड इन थ्री लेयर्स इंसेक्ट इंसे इंटेक्टमेंट थ्री लेयर्स में डिवाइड होती है वो कौन कौन सी है क्यूटिकल जो वो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसके नीचे क्या है एपिडर्मिस होता है जिसे क्या है हाइपोडर्मिस भी बोला जाता है और सबसे इनर मोस्ट लेयर एंड थर्ड लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल किससे बनी है आंसर इज काइटिन होता है इसमें ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी परसेंट एंड प्रोटीन होता है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूटिकल इज डैश लेयर क्यूटिकल इज नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग लेयर ठीक है क्यूटिकल इज सिक्रीटेड बाई क्यूटिकल को सिक्रीट कौन करता है हाइपोडर्मिस ठीक है क्यूटिकल इज फर्दर डिवाइडेड इन क्यूटिकल दो लेयर्स uh, में फर्दर डिवाइड होती है वो कौन कौन सी हैं एपी क्यूटिकल एंड प्रो क्यूटिकल एपी क्यूटिकल क्या है इट इज़ अ नॉन काइटीनियस प्रोटीन लेयर ये प्रोटीन लेयर है काइटीन उसमें नहीं है प्रोक्यूटिकल इज प्रोक्यूटिकल में काइटिन भी है प्रोटीन भी है इट इट इज हैविंग काइटिन एंड प्रोटीन लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन काइटिन इज काइटिन क्या है काइटिन इज नाइट्रोजीनस पॉलिसिक्राइड मीन्स इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल चेंज ऑफ एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एंड ग्लूकोज अमीन रेजिड्यूज ठीक है एंथ्रोप्रोटीन क्या है इट इज़ अ मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन है विच इज़ अ अनटेंड प्रोटीन ये अनटेंड प्रोटीन है और वाटर में सोलबल है ठीक है सेक्यूलेरोन भी एक प्रोटीन है जो कि है एक टेंड प्रोटीन है बट इनसोलुबल इन वाटर है रेजिलियन रेजिलियन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ये भी एक प्रोटीन है जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इसे इलास्टिक प्रोटीन बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ विंग सेक्युलेराइट्स यानी कि काइटिन में तीन जो हमारी क्यूटिकल है पर मोस्ट लेयर उसमें ये तीन प्रोटीन पाए जाते हैं एंथ्रोपोडीन जो कि अनटैंड प्रोटीन है वाटर सोलूबल है सेक्लेरोटीन जो टेंड प्रोटीन है वाटर इनसोलुबल है और एजिलिन जो कि है एक इलास्टिक प्रोटीन है नेक्स्ट क्वेश्चन एपिडर्मिसिस इट इज अ सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी वॉल बिन क्यूटिकल ये यूनिसेलुलर होती है ठीक है मेन फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का ये क्या है क्यूटिकल सिक्रीट करती है इसके बाद आ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन इनर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर है ये भी इसके ऊपर क्या है मसल्स अटैच होती है नेक्स्ट आ गया मोल्टिंग क्या होता है ठीक है मोल्टिंग है कास्टिंग और शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल ओल्ड क्यूटिकल की शेडिंग होती है उसे क्या है मोल्टिंग बोलते हैं ये इंसेक्ट ग्रोथ के लिए नेसेसरी है मोल्टिंग हैजू प्रोसेस दो प्रोसेस होते हैं एपोलाइसिस एंड एक्टाइसिस एपोलाइसिस क्या है बिगनिंग स्टेज है मोल्टिंग की बिगनिंग प्रोसेस विद सेपरेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम अंडरलाइंग एपीटर्मल सेल्स एक्टाइसिस क्या है एंड होता है जब मोल्टिंग का एंडिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग विदेश सेपरेशन ऑफ ओल्ड रिमेन क्यूटिकल ठीक है आगे आ गए हमारे पास टाइप्स ऑफ लार्वे निम्फ होता है कैटरपिलर होता है ग्रब है बैगट है निम्फ किस केस में होता है निम्फ जो है बेसिकली हमिप्ट्रा में होता है ठीक है और ओरथोप्ट्रा और में होता है ये दो ऑर्डर्स में निम्फ पाए जाते हैं एग निम्फ अडल्ट तीन स्टेजेस बनती हैं इनमें निम्फ क्या है इमेच्योर स्टेजेस ऑफ बर्ग्स वाइटफ्लाई जेसिड एफिड ये सभी का ऑर्डर कौन सा है मिप्ट्रा ठीक है एंड इमेच्योर स्टेजेस ऑफ ग्रास ओपर लोकस्ट मीन्स और थॉप्ट्रा ऑर्डर वाले जो इंसेक्ट हैं उनके इमेच्योर स्टेज को भी निम्फ बोला जाता है कैटर पिल्लर आर कैटर पिल्लर जो होगी इमेच्योर स्टेज होगी लैपिडोप्टरन पेस्ट की या लेपिडॉप्ट्रन इंसेक्ट की ठीक है लार्वे ऑफ बटरफ्लाई मॉथ वॉलवॉम बोरर्स लूपर्स सेमी लूपर्स जो भी लैपिडोप्ट्रा के अंडर आते हैं उनके इमेच्योर स्टेजेस को लार्वे को कैटरपिलर बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रब्स आर ठीक है लार्वे ऑफ बीटल्स एंड वीबल्स यानी कि कोलियोप्ट्रा ऑर्डर के अंडर जो इंसेक्ट आते हैं उनके लार्वे को ग्रब बोला जाता है लार्वे ऑफ बी वास ब्रेकोनेट्स यानी कि ऑर्डर हाइमोनोप्ट्रा के जो इमेच्योर स्टेजेस हैं उनको ग्रब बोला जाता है निम्फ हो गए हेमिप्ट्रा एंड ऑर्थोप्ट्रा ऑर्डर कैटरपिलर्स पिलर्स ऑर्डर ग्रब्स जो हो गए क्लियोप्ट्रा एंड हैमोप्ट्रा ऑर्डर ये थे हमारे आज के फिफ्टी क्वेश्चंस। होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू